के मुख्यमंत्री पद के लिए कौन है पहली पसंद, नायब सैनी या भूपेंद्र हुड्डा? एग्जिट पोल ने दिए चौंकाने वाले नतीजे। अगर उम्र के लिहाज से देखें तो 18 से 24 आयु वर्ग में 27.8% लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दिया, जबकि 18.2% लोग नायब सिंह सैनी के साथ रहे। 25 से 34 आयु वर्ग में 30.6% ने हुड्डा को अपनी पहली पसंद बताया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 30.8% के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बताए गए हैं। इनके बाद सीएम और भाजपा नेता नायब सिंह सैनी 22.1% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा क्रमशः 9.5% और 4.9% के साथ तीसरे व चौथे पायदान पर हैं। दरअसल ये नतीजे इंडिया टुडे के सी वोटर एग्जिट पोल में निकल कर आए हैं। इस सर्वे के मुताबिक महज 4.5% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर का समर्थन किया। खास बात यह है कि 32.6% पुरुष चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने, जबकि उनमें से 22.5% पुरुष नायब सिंह सैनी का समर्थन कर रहे हैं। एग्जिट पोल के तहत किए गए सर्वे में शामिल महिलाओं में से 28.9% ने हुड्डा को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री चुना, जबकि 21.7% ने सैनी का साथ दिया। वहीं सर्वे के मुताबिक 20% पुरुष चाहते हैं कि इन नामों को छोड़कर कोई और मुख्यमंत्री बने, जबकि 24.6% महिलाओं की ऐसी राय थी। अगर उम्र के लिहाज से देखें तो 18.24 आयु वर्ग में 26.8% लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन किया, जबकि महज 18.2% लोग नायब सिंह सैनी के साथ दिखे। 35 से 34 वर्ग के आयु के लोगों की बात करें तो 30.6% ने हुड्डा को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि 20% ने सैनी को सही बताया। सर्वे के मुताबिक 35 से 34 साल के लोगों के बीच हुड्डा लोकप्रिय चेहरे हैं और 31.5% लोगों ने उन्हें ही चुना है। इस आयु वर्ग के 25.4% लोगों ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर सही पाया है। वहीं 45 से 54 साल के लोगों की बात करें तो उनमें हुड्डा के लिए समर्थन ज्यादा दिखा है। इस आयु वर्ग में 33.1% लोग उनके साथ हैं। वहीं 55 साल से ज्यादा के लोगों में 32.4% लोगों की ऐसी राय है। वहीं नायब सिंह सैनी को इन आयु वर्गों में क्रमशः 24.7% और 24.4% लोगों का समर्थन हासिल है। बता दें कि इस सर्वे में 4000 लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री बनने के विषय में सवाल किए जाने पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने दोहराया कि पार्टी के विधायकों से राय लेने के बाद आलाकमान मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला करेगा। हुड्डा ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान संपन्न होने और एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की संभावना व्यक्त किए जाने के बाद ये टिप्पणी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास में कहा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हुड्डा ने जवाब दिया कि पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके अनुसार पार्टी विधायकों की राय ली जाएगी, जिसके बाद ही आलाकमान फैसला करेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो इसके जवाब में हुड्डा ने कहा कि राजनीति ऐसी चीज है कि कोई भी आकांक्षा रख सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया है कि विधायक अपनी राय देंगे और जिसके बाद आलाकमान फैसला करेगा। तो आपके राय में नायब सिंह सैनी या फिर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में ज्यादा आगे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।